ओके यूज द डेटा इन टेबल एलेवन पॉइंट टू टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके तो हमको बुक का टेबल यूज करना है राइट right? तो एक बार मैं टेबल यहाँ पर रख देता हूँ फिर बात करते हैं तो ये रहा हमारा टेबल राइट right? अब यहाँ पर ठीक से देखो ये टेबल आपको एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर उनको क्वेश्चन पूछना है ये टेबल के ऊपर वा आपको ये टेबल देंगे एग्जाम में ऊपर से ये टेबल के नीचे लिखा भी गया है यू डू नॉट यू निड नॉट मेमराइज दीज वैल्यूज यू कैन यूज इज वैल्यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो एग्जाम में भी क्या करेंगे वो ये टेबल आपको देंगे तब भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इनका क्या बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग आयन एंड मर्क्यूरी इज अ बेटर कंडक्टर बेटर कंडक्टर कौन सा है अब ये टेबल किस चीज़ का है रेजिस्टिविटी का मतलब जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी उसकी कंडक्टिविटी खराब होगी है ना मतलब हमको सिर्फ कंपेयर करना है आयन और मर्क्यूरी को तो आयन और मर्क्यूरी मतलब कौन है दीज टू मतलब ये वाला वैल्यू है ना दस वन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप नंबर भी चेक कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट ये बराबर है मर्क्यूरी का ये है अब इन दोनों में से ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है मर्क्यूरी की है है ना तो विच इज बेटर देन विच इज द बेटर कंडक्टर ऑब्वियसली इन इन केस ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी इज मोर एंड हैंस आई एन प्रोवाइड लोअर रेजिस्टेंस आयन इज अ बेटर कंडक्टर सही है तो बस इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है हमको क्या लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ आयन पहले लिख देते हैं कितना है टेन पॉइंट जीरो इन टू टेन टू दावर माइनस एट देखो यहां पर कैसा है ना वो ऊपर में टेन टू दावर माइनस एट डायरेक्टली नहीं लिख पा रहा हूं इसलिए आप क्या करो इसको टेन टू दि पावर माइनस एट लिख देना लास्ट लास्ट में यूनिट क्या है ओहम मीटर रेजिस्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है नाइन्टी फोर पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस एट अब लॉजिक लिखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा होता है रेजिस्टिविटी के साथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट नौ क्या लिखना है हमको क्या ढूंढना है Which among the them is a better conductor? Sida straight. Write. Iron is a better conductor because because its resistivity is less. Hence resistance would be less. Resistance would be less. Hence its resistance would be less. so more current will flow through it right more current will flow through it making it a good conductor making it a good conductor तो so, यहाँ पे logic क्या use किया हमने कि भाई आयन का resistivity कम है तो उसका resistance कैसा होगा आयन का जो resistivity है आयन का जो resistivity है वो कैसा है resistivity उसका कम है तो रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा रेजिस्टेंस भी कम होगा तो करंट कैसा होगा ज़्यादा होगा या आयन के लिए मर्क्यूरी के लिए क्या बोलेंगे मर्क्यूरी का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा ज़्यादा तो करंट कैसा होगा कम तो इसमें से फिर अच्छा कंडक्टर कौन सा है ऑब्वियसली इट मेक्स द मर्यूरी नॉट अ गुड कंडक्टर वाइल इट मेक्स आयन अ गुड कंडक्टर तो बस इसी को गुड कंडक्टर बोल देंगे हम लोग फिर तो दैट इज़ आवर आंसर नेक्स्ट विच मटीरियल इज द बेस्ट कंडक्टर अब सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होगा जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा अब ये पूरे टेबल में रेजिस्टिविटी सबसे कम किसका है सिल्वर सिल्वर का Silver का रेजिस्टिविटी कैसा है सबसे कम है तो उसका कंडक्टिविटी कैसा होगा ज्यादा होगा तो इसका भी आंसर इसी में इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे अमंग द मटीरियल गिवन इन द टेबल मर्क्यूरी सॉरी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट हैज लोवेस्ट रेजिस्टिविटी लोवेस्ट रेजिस्टिविटी है उसका हेंस uh, कौन सा मटेरियल ये होगा uh, सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा सिल्वर बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज वेरी लो